और इधर सवाईमाधोपुर जिले में एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी बाटोदा एसएचओ रामकेश मीणा के साथ दलाल कुंजीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बाटोदा थानाधिकारी बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के एवज में 1500 रुपये प्रति ट्रॉली 20,000 की मासिक बंदी के रूप में घूस मांग रहा था। परिवादी ने एसीबी को शिकायत की थी और इस पर आज बाटोदा थाने पर 20,000 की घूस लेते एसएचओ रामकेश मीणा और दलाल कुंजीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। एसीबी अब थानाधिकारी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर दबिश देकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गई है। कल एक परिवादी कार्यालय में आया था और परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि बजरी के ट्रैक्टर नहीं पकड़ने के एवज में एसएचओ दलाल के मार्फत मेरे से पैसों की मांग कर रहा है, 20,000 रुपये पर ट्रैक्टर के। उसके बाद में कल परिवादी के साथ बैठ के शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो वो शिकायत सही पाई गई। उसके उपरांत सत्यापन के दौरान थानाधिकारी रामकेश ने कहा था कि या तो आप मुझे दे देना या कुंजीलाल को दे देना। फिर